नमस्कार, मैं हूँ आदर्श, आप देख रहे हैं जिला। इस वक्त हम मौजूद हैं सरकंडा दुर्गा मंदिर में और आप जैसा कि जान रहे हैं शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और आज इसका द्वितीय दिवस है। बता दें, बीते दिन प्रथम पूजा थी जिस दिन माँ शैलपुत्री अपने रूप में आई थी और आज जो है माँ ब्रह्मचारिणी अपने रूप में प्रकट हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वह मंदिर में है और होना भी चाहिए क्योंकि बीते 2 साल इसने जिस प्रकार कोरोना महामारी को झेला वह बहुत व्यापक था। लोगों के मन में एक डर था, आशंका थी, लोग मंदिर तक पहुंच नहीं रहे थे और जो पहुंच भी रहे थे वो कहीं ना कहीं प्रशासन के गाइडलाइन के द्वारा रुक जा रहे थे क्योंकि कोरोना इतनी प्रचंड रूप से फैल चुकी थी देश में कि प्रशासन ने मंदिर में भीड़ को रोकने के लिए अलग अलग रूप से गाइडलाइन जारी किए थे। लेकिन इस बार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ काफ़ी संख्या में मौजूद है। लोग पूजा करने के लिए मंदिरों में आ रहे हैं और अपने परिवार के साथ आ रहे हैं क्योंकि बता दें आज दूसरी पूजा है। आज माँ ब्रह्मचारिणी जो है रूप में आई हुई हैं। लोग यहाँ पर फल प्रसाद लेकर यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर भीड़ जो है खास करके महिलाओं की बहुत ज़्यादा है। हमारे आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर बच्चे भी हैं और यहाँ पर सभी लोग पूजा करने के लिए आए हुए हैं। पूजा करने आए हैं, कर लिए? पिछले साल आप आए थे पूजा करने? पिछले साल तो कोरोना था, काफ़ी दिक्कत हुई होगी। इस बार कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। पूजा किए, क्या मांगे भगवान से? हमें आगे बढ़ के बुद्धि विद्या दे। माता का दर्शन कर लिए? तो आप देख सकते हैं कि बच्चों के मन में भी वो उल्लास है। लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हमारे साथ एक भैया हैं, देखिए लीजिए इनके हाथों में वो अगरबत्ती है और ये उसको जला रहे हैं। भैया पूजा करने आए हैं? हाँ हाँ, पूजा करने आए हैं। आज द्वितीय पूजा है भैया, माँ ब्रह्मचारिणी अपने रूप में आई थी, क्या आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले कि हमारे कोटे वासियों को नवरात्रि की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और सबको माँ की पूजा करते हैं। सबको माँ अपने अनुसार सबको जो जो मन इच्छा फल होता है सबको पूरी करती है माँ, इसीलिए माँ की पूजा सबको श्रद्धा भक्ति के साथ करनी चाहिए। भैया इस वर्ष कैसा लग रहा है? पिछले वर्ष जैसा कि देखा गया कोरोना बहुत व्यापक रूप में थी, लोग अपने मन को रोक तो रहे थे लेकिन उनका मन स्थिर नहीं था, वह जाना चाह रहे थे मंदिर परंतु कोरोना के कारण नहीं पहुंच पा रहे थे क्योंकि गाइडलाइंस जो थी वह मंदिरों में दे दी गई थी वो ज़्यादा थी। कोरोना के बाद कोरोना में तो बिल्कुल पूजा करने के लिए सबको मना ही था लेकिन फिर भी मन नहीं चाहते भी आदमी आते थे, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ दुर्गा पूजा को सबको मना रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जैसा कि इन्होंने बताया कि इस बार जो है वो सारी चीज़ें बदल गई हैं क्योंकि कोरोना का रूप जो है कहीं ना कहीं घट चुका है। कोरोना बीमारी जो है वो धीरे धीरे जा रही है और हमारे बीच यहाँ पर कमेटी के सदस्य हैं, इनसे आइए बात करते हैं। कितने वर्षों से ये मंदिर है? ये 1987 ईस्वी में मंदिर की स्थापना की गई थी। प्रत्येक बार देखा जाता है कि हर वर्ष यहाँ पर प्रथम पूजा को मूर्ति बनकर तैयार हो जाती है, इसके पीछे कुछ विशेष कारण? इसका विशेष कारण है शुरू से पद्धति रहा है, पूर्वज के द्वारा ही शुरू से पहला पूजा से ही मूर्ति कम्प्लीट कराने का प्रथा चलते आया है जो हम लोग भी उसका निरावरण कर रहे हैं। इस बार प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार की गाइडलाइन दी गई है कि किस प्रकार मंदिरों में पूजा पाठ होनी है, कैसे श्रद्धालुओं को मंदिर तक जाने दिया जाना है या नहीं दिया जाना है? प्रशासन के द्वारा, अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा सभी पूजा समितियों की बैठक आहूत की गई थी, कुछ गाइडलाइन मिला है हम लोगों को जिसमें मुख्य रूप से जब भीड़ काफ़ी होगी उस समय वॉलंटियर को रखना है, पंक्तिबद्ध तरीके से पूजा दर्शन कराना है, ऐसा गाइडलाइन प्राप्त हुआ। CCTV कैमरा लगाना है, स्वच्छता का ख्याल रखना है। भीड़ होने वाली है कि नहीं? हाँ, इस बार लोग काफ़ी हर्षोल्लास के साथ लोग आएंगे क्योंकि पहले कोविड के चलते मास्क लगाना था, सोशल डिस्टेंस का पालन करना था, मूर्ति को ढक के रखना था, जो ये सब गतिविधि है इस बार इस सब गतिविधि कुछ नहीं है, कोई गाइडलाइन कोविड का नहीं है, सामान्य रूप से पूजा अर्चना की जाएगी। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि पिछले बीते वर्षों में जो है कोरोना काफ़ी व्यापक रूप में थी तो वहाँ और आज के सिचुएशन में आपको क्या बदलाव दिख रहा है और तभी का जो समय था वो कितना चैलेंजिंग था श्रद्धालुओं को मंदिर में पूजा अर्चना करने से रोकना, उनको सटीक रूप से पूजा कराना कितना चैलेंजिंग साबित हुआ था आप लोगों के लिए? देखिए उस समय हम लोग काफ़ी मात्रा में मंदिर परिसर में जो है मास्क का वितरण कर रहे थे, सैनिटाइजर का उपयोग किया जा रहा था, लोग मास्क और सैनिटाइजर जो है व्यवहार
सामाजिक दूरी जो है दूरी बना के गई, जो अभी भी हम लोग का लाइन है ये जो है इसको बनाया गया था, उस हिसाब से लोग पंक्तिबद्ध तरीके से श्रद्धालु पूजा अर्चना कर रहे थे। और यह आस्था का पर्व है, सनातन धर्म संस्कृति का पर्व है और हम लोगों की कुलदेवी है, और ये पर्व काफ़ी जोश खरोश से मोहल्ला के लोग और पूरे जिला के लोग मनाते हैं। और हिंदू धर्म संस्कृति में इससे बड़ा पर्व दुर्गा पूजा से शक्ति का स्वरूप का पूजा अर्चना लोग करते हैं और बहुत धूमधाम से पूरे जिले में इसको मनाया जाता है। तो आपने सुना क्या कुछ वो बातें थी, इस बार की भीड़ जो है वो भारी संख्या में होने वाली है। हिंदू सनातन धर्म में दुर्गा पूजा का विशेष महत्व है क्योंकि यह हिंदू सनातन धर्म में जो है सबसे लंबे समय तक चलने वाला पर्व है। बता दें इसमें लगभग 9 रात्रि की पूजा होती है और इसे इसीलिए शारदीय नवरात्र के नाम से भी जाना जाता है। इतना ही नहीं, यह भारत के विभिन्न विभिन्न राज्यों में भी होती है यह पर्व। असम, उड़ीसा, दिल्ली, बंगाल और बिहार झारखंड में मुख्यतः यह देखा जाता है। मिथिला, उड़िया और असामी समाज में जो है इसको लेकर काफ़ी धूमधाम से यह पर्व मनाया जाता है।